ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। मोरबी पुल हादसे में मृतकों के लिए 2 नवंबर को गुजरात में राज्यव्यापी शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई समारोह या मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। मोरबी पुल हादसे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आइए हम आपको बताते हैं ये 10 पॉइंट के जरिए। पहला, मोरबी पुल हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। इसमें दुर्घटना की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने नेतृत्व में SIT जांच करने की मांग की है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए देश भर में जितने भी पुराने पुल यह स्मारक है वहां होने वाली भीड़ को मैनेज करने के लिए नियम बनाने की मांग की गई। तीसरा, गुजरात के मोरबी में पुल गिरने के हादसे के एक दिन बाद पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी ओरोवा के 2 अधिकारी सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की पुष्टि राजकोट रेंज के IG अशोक यादव ने की। चौथा, सूत्रों का कहना है कि वो ओरोवा के मध्य स्तर के कर्मचारी हैं। जानकारी ये भी है कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी पुल त्रासदी के बाद से लापता हैं। पांचवा, कंपनी ओरोवा को कई खामियों के लिए दोषी ठहराया जा रहा है, जिसमें फिटनेस सर्टिफिकेट लेने में कथित विफलता और समय से पहले पुल को फिर से खोलना शामिल है। छठा, रेस्क्यू टीम ने अभी तक 170 लोगों को बचा लिया है। आज सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हादसे के बाद कई लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले कई जानें बचा ली। जगनेश लाल जी भाई ऐसे ही एक शख्स हैं। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही कम से कम 90 लोगों की जान बचा ली। इसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। सातवां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गांधीनगर स्थित राजभवन में मोरबी में स्थिति को समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने मोरबी में हुई घटना के बाद से जारी बचाव और राहत कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। PM मोदी मंगलवार यानी आज गुजरात का दौरा करेंगे। आठवां, मोरबी पुल हादसे के मृतकों के लिए 2 नवंबर को राज्यव्यापी शोक मनाया जाएगा। नौवां, प्रधानमंत्री आज मोरबी सिविल अस्पताल में मुलाकात करेंगे। दसवां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुजरात के मोरबी शहर में पुल हादसे में मारे गए लोगों की याद में 2 मिनट का मौन रखा। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें पर्यावरण पोस्ट।